जब भी आप कभी इंटरनेट चला रहे होते हैं ना, जब आप इस तरीके का स्क्रीन देखते हैं ना, तो आपको काफ़ी बुरा लगता है कि ये हो क्या गया, इंटरनेट को क्या हो गया। एंड यू नो कि हमारे इंडिया में एक ऐसा यूटी है, एक जो पहले स्टेट था, अब यूटी बन चुका है, जहाँ 5 महीने से यही चल रहा है, देर इज़ नो इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम लास्ट 5 मंथ्स। एग्जैक्टली जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। ओके, 5 अगस्त 2019 को 370 एंड 35 से हटाया गया था। वेल, इमेजिन कीजिए, जहाँ हम 1 घंटा इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते, एंड वही रीजन, वही यूटी लाइक जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, 5 महीने से हम बिना इंटरनेट के रह रहे हैं। कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बिजनेस कितना लॉस हो रहा है, सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं है। उनको तो उनको क्या लग रहा है कि हम, देखो इस वीडियो में मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, बट अपना ओपिनियन यहाँ पर ज़रूर शेयर करूँगा। द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, देखिए पोस्टर्स मैं शेयर कर रहा हूँ, 100 डेज, अब 100 डेज पास हो चुके, अब 150 डेज होने वाले हैं, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं, बिजनेस लॉस हो रहा है, जो लोग ऑनलाइन डिपेंडेंट, कोई ऑनलाइन काम करता है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग करता है, बट अब जो कितने काम आजकल ऑनलाइन हो गए, डिजिटल इंडिया बन रहा है एंड सारे लोग ऑनलाइन डिपेंडेंट हैं, बट देर इज़ नो इंटरनेट कनेक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम लास्ट 5 मंथ्स। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर आसाम में इंटरनेट बंद हो चुका है, त्रिपुरा में इंटरनेट बंद है। वेल, कुछ रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ, कैपिटल बन चुका है जहाँ पे इंटरनेट शट डाउन होता है, ठीक है। अब क्या मतलब, अब खुद आप इमेजिन कीजिए, हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, हम लोग जिनको वोट देते हैं, जिनको इतना हमारी तरफ से सपोर्ट मिलता है कि हमारे एक लीडर बनते हैं, हम जिनको बनाते हैं, एंड इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है, आप खुद इमेजिन कीजिए। हमारी कंट्री का सबसे बड़ा इशू क्या है इस टाइम? अनएम्प्लॉयमेंट, सबको पता है अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री का सबसे बड़ा इशू है। एंड उसके बाद जो हमारा राइट नाउ जो इशू चल रहा है वो है जी हमारा GDP, जो लगातार नीचे गिरते जा रहा है। सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट 4.5% GDP हमारा डाउनफॉल हो चुका है। सरकार का क्या जिम्मा बनता है कि इन दोनों चीज़ों पर फोकस किया जाए, बट नो देयर, देख अभी सरकार का हमारा क्या चल रहा है कि देखो यार, वेल यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर कट शेयर करूँ, मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ। देखो मैं किसी गवर्नमेंट, नाउ आई एम नॉट इन द सपोर्ट ऑफ BJP, कांग्रेस, वट एवर जो भी है, बट इन स्टार्टिंग मुझे अभी 3-4 साल पहले की बात बताऊँ, जब मोदी सरकार आई थी ना, तो मेरे स्टूडेंट्स के साथ, मेरे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ कई बार ना आपस में काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता था कि नहीं अब मोदी गवर्नमेंट आया, वो यू फील कि देर इज़ समथिंग गोइंग टू बी गुड हैपन, कुछ अच्छा होने वाला हमारे साथ, जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं, कुछ ना कुछ तो कंट्री के साथ अच्छा होने वाला, बट ये मिथ मेरा अब टूट चुका है। देखो ये काफ़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ, बट ग्राउंड लेवल की रियलिटी जब खुद समझ आती है ना, तब ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कट हो जाती है कि दिस इज़ द राइट थिंग, कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला हमारी कंट्री में जब तक हमारे लीडर्स इस तरीके से करने वाले हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बात बताता हूँ, 370 एंड 35 से हटाया गया था 5 अगस्त को, आप सबको पता ही है कितना बड़ा इशू बना था, तो चलो ठीक है वो हटाया, हमारी डेवलपमेंट वो जो भी था, ठीक है वो हटाया, हम जिसको सपोर्ट करते थे, इंटरनेट बंद किया गया था कुछ टाइम के लिए, बट यू नो कि 5 महीने हो चुके हैं, जो लॉस हो रहा है हम लोगों को कौन फेस करेगा। ठीक है चलो यार, फेस गवर्नमेंट का ये रहता है कि यार कंट्री की सिक्योरिटी के लिए हो रहा है कि टेररिज्म आ रहे हैं, ठीक है चलो 1 महीना 2 महीने तक हम सपोर्ट कर सकते हैं, बट 5 महीने इंटरनेट की वजह से जो स्टूडेंट प्रिपेयर करें किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी की एवरेज हो जाएगी, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या गवर्नमेंट लेगी? नो, दे विल नेवर टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी गलती थोड़ी है, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों का पढ़ाई नहीं हो पाई, ठीक है चलो इस चीज़ को हम एक साइड पर। उसके बाद आप ये जो हमारा एक बिल पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, अब आप खुद इमेजिन कीजिए, अभी जो हमारी जो स्पेशल पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई थी कश्मीर में, अब सोचिए कि उसको पुलिस फोर्स को हटा के उसको असम एंड त्रिपुरा नागालैंड में डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि हिंसे और प्रदर्शन ना हो। आप इमेजिन कीजिए कि क्या ये राइट टाइम था ये बिल पास करने का। और उससे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ शेयर करूँ, कितना बड़ा पुराना विवाद था बाबरी और बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का, जो अभी सॉर्ट आउट हो चुका है, ठीक है। देखो कितना बड़ा फैसला था, फुल स्टॉप लग सकता था, एक जो प्राइम डिबेट हमारे न्यूज़ चैनल्स वाले चलाते हैं हिंदू मुस्लिम करके, इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करके एंड वेल अच्छी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता था, बट नो, अगेन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली गई। अब आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ, उसके बाद अब क्या हो क्या रहा है, आप खुद को पता है, आप सबको पता है, हिंदू एंड मुस्लिम्स डिवाइड एंड रूल चल रहा है फिर से चल रहा है, एंड जो चीज़ यहाँ पे स्टॉप हो सकती थी, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज अच्छे वे में आगे बढ़ सकती थी, बट नो,
गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं करना चाहती है। एंड सबसे बड़ा जो हमारा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट एंड जो हमारा जीडीपी डाउनफॉल जा रहा है। कभी आपने सुना कि किसी भी लीडर, किसी भी बीजेपी या मोदी गवर्नमेंट या कोई भी किसी के मुंह से आपने ये डिबेट सुनी? कभी नहीं सुनी होगी, मैंने तो कभी नहीं सुनी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा इशू है, जीडीपी डाउनफॉल जा रहा है, हम इसके लिए क्या करने वाले हैं। बट नो दे हम ये कह रहे हैं कि एनआरसी लागू करेंगे पूरे ऑल ओवर द कंट्री। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू कर दिया गया, डोंट नो वट दे वॉन्ट एंड रियली अपसेट फ्रॉम अवर गवर्नमेंट कि ये हो क्या रहा हमारे साथ एंड स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के साथ। इंटरनेट को बंद किया गया एंड कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहा है हमारा यूटी। आई डोंट थिंक कि उनको कोई आइडिया भी है लाइक कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितना लॉस हो रहा है, स्टूडेंट्स कितने सफ़र करें। प्रोटेस्ट हो रहा था, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको डिटेन किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को गुंडागर्दी की जा रही है। बिल्कुल मैं ओशो आवाज में सारे वर्ड्स बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली यही हो रहा है। हमारे पैंथर्स पार्टी के लीडर से, लोकल पार्टी के, उनने 7 दिसंबर को स्ट्राइक के लिए बोला था, उनको 2 दिन पहले डिटेन कर लिया गया ताकि कुछ ऐसा ना हो। आवाज़ तक नहीं उठाई जा रही अभी तक। आई डोंट नो कि अब क्या होने वाला है। वेल एक छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अच्छा लगता है। एंड करंट अफेयर का हमारा चैनल है, वेल हमारा इस तरीके का चैनल है, बट ये मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ा। थैंक यू एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।